हमारे संविधान में कुछ मापदंड हैं, अगर उस मापदंड पर कोई भी समाज खड़ा उतरता है तो उसे एससी एसटी ओबीसी की मान्यता दी जाती है, जिसे हम एसटी स्टेटस एससी स्टेटस कहते हैं। आज से 8 महीने पहले जम्मू एंड कश्मीर में एक विरोध प्रदर्शन होता है। इस विरोध प्रदर्शन में ऐसा कहा जाता है कि जो सरकार पहाड़ी को एसटी स्टेटस देने की बात कर रही है, ऐसा ना किया जाए। नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन आज मांग प्रदर्शन में बदल चुका है। और इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। जी सर, मेरा नाम जलील इकबाल खाकी है, मैं जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, ये मांग प्रदर्शन किस लिए, आखिरकार पूरा मुद्दा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में जरूर समझाएं। हाँ देखिए, आज हम लोग जम्मू कश्मीर से चलकर यहाँ पर आए हैं, इसका एक वाज़े मकसद है और ये एक प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाना है। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जो शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, जो ट्राइबल आइडेंटिटी रखते हैं, उनके जो शेड्यूल ट्राइब है उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। और छेड़खानी इसलिए की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, तो वो जो वहाँ के एलीट क्लास है, जो हिस्टोरिकली प्रिविलेज लोग रहे हैं, उनको हज़म नहीं हो रहा। और हज़म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनकी पावर जा रही है, वो नहीं देख सकते कि कोई पिछड़ा हुआ, कोई मतलब जो आज तक आदिवासी है वो कहीं असेंबली में बैठे और अपने जो हक हैं उनको मनवाए। जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर की तारीख देखें तो जो भी हुकूमतें रही हैं उसमें जो वहाँ की अपर क्लास और अपर कास्ट रही है उसकी हिस्सेदार रही है, और वो हिस्सेदारी सदियों से आती जा रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल ट्राइबल्स हैं, नोमैड्स हैं, और उनकी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी वो एक एथनिकल आइडेंटिटी है जो इंडियन सब कंटिनेंट में वो एसर्ट करते आ रहे हैं, और वो एसर्ट करना उनका हक है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो पीएसपी लोग हैं, जिन्हें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कहा जाता है, वो 40% पहले से ही रिजर्वेशन जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, और वो ओबीसी की शक्ल में है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के नाम पे एक रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दी गई है, रिजर्व आरबीए नाम की एक रिजर्वेशन दी गई है, और सबके साथ ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो उनको मुहैया है, वो लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के रिजर्वेशन के साथ जो एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, इसके साथ छेड़खानी हो रही है, किस प्रकार की छेड़खानी है? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ पे पहले तो धारा 370 टूटने के बाद जब वहाँ पे रिजर्वेशन आरक्षण पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गया, तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है 10% दे दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो है 9 सीटों पे शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया, जहाँ पे ये एलीट क्लास के अपर कास्ट के लोग जहाँ पे राज करते थे, जो वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे जीत के आते थे और वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे उन पे राज करते थे। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो जम्मू कश्मीर में, इन पे बहुत अत्याचार हुए, इससे पहले बहुत दबाई हुई कौम है इसमें, तो इसके कुछ लोग जैसे निकल के अब दिल्ली विश्वविद्यालय में, बाकी जितनी भी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। मेनली प्रोटेस्ट जो वहाँ पे कैरी ऑन हुआ था वो गुज्जर बकरवाल और गादी भी थे उसमें कुछ। देखिए जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि एसटी एससी कम्युनिटी देश में जहाँ भी है उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अच्छा। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे झारखंड में हो। अच्छा। चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। अच्छा। भारत के किसी भी कोने में अगर यहाँ पे एसटी एससी के नाम पे आप देख लीजिए, कुछ साल पहले ये लोग हमें गुर्जर करके ना इस नाम से हमें चेड़ा करते थे, हमें इस नाम से हमें डिस्क्रिमिनेट करके हम लोगों को मतलब ना वो जतलाया जाता था इस चीज़ को। तो जब ये आरक्षण की मदद से आज कुछ लोग निकल रहे हैं आगे, तो उनको यही बात चुभ रही है। तो इस तरह से वो रिजर्वेशन में अपनी एक हिस्सेदारी मांगना चाहते हैं, वो एलीट क्लास जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, आज वही लोग इस चीज़ में हिस्सेदारी मांगना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि पहाड़ी को एसटी रिजर्वेशन या फिर एसटी स्टेटस ना दिया जाए, ये चाहते हैं आप लोग? नहीं, हमारी मांग ये है कि हम ये चाहते हैं कि स्टेटस उनका उनके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन जो हमारा 10% जो हमारी रिजर्वेशन है एसटी की, जो गुजर बकरवाल को जम्मू कश्मीर में मिली है, उसमें उन्हें डाइल्यूट ना किया जाए। मतलब उसी जो है अपनी जो पावर है फिर वो लॉस कर जाएगी, जो रिजर्वेशन है। अच्छा। उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। देखो, ऑलरेडी जो है 35-36 लाख जो गुजर बकरवाल हैं, अगर वो एसटी में हैं और आप उतना वो डाइल्यूट करोगे, ऐड कर दोगे, तो एसटी का यूज़ कहाँ पे होगा, फिर उसकी रिजर्वेशन कहाँ रह गई, फिर तो सारे हो गए। तो एक
बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज के बेसिस पे है ये रिजर्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन आर नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस कास्ट रिलीजन्स, रिजर्वेशन जो है सिर्फ जो है बैकवर्ड क्लासेस को दी जाती है, जो एजुकेशनली पॉलिटिकल जो है बैकवर्ड लोग हैं उनको दी जाती है, जो गरीब दबे कुचली जो कौम है उसको दी जाती है, उसको इक्वलिटीज़। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटीज, सबको बराबर लाया जाए, जो मतलब नीचे दबे लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए सबको, उसको मतलब किसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ आज से पहले जो कौम के साथ हिंदुस्तान में अगर गुजर के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ उन सबको जो है इक्वलिटीज मिलनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं रिजर्वेशन आरक्षण लेने के लिए ट्राइब को घोषित करने के लिए जो रिजर्वेशन के करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं उनमें से वो कोई भी करेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, इनका ये कहना है कि जो पहाड़ी है उनके पास वैसा कोई भी करेक्टरिस्टिक्स यानी पैरामीटर या फिर मापदंड नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वो लोग सोशली प्रिविलेज्ड हैं, जो सोशली प्रिविलेज्ड है उसको आरक्षण किस बात का मिलेगा? आप देखिए, अगर जी सर, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन पिछड़ी हुई है तो इसके लिए सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का किस लिए लाया है? इसी चीज के लाया है ताकि आप अगर इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं लेकिन आप सोशल इनजस्टिस आपके साथ नहीं हुआ है, आपके साथ अगर सोशल इनजस्टिस नहीं हुआ है लेकिन आपके पास थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी ठीक नहीं है तो वो आप 10% रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस। इनका ये कहना है कि जो मापदंड है वो पहाड़ी फुलफिल नहीं करते हैं एससी एसटी के स्टेटस के लिए। एक तरफ आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह का ये स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश में कि पहाड़ी को एसटी स्टेटस हम जल्द देंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन कश्मीर के असेंबली इलेक्शन से पहले देंगे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी विरोध में खड़े हैं ना हम यहाँ पे। जी जी, देखिए ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हो रहा है, और इस देश में एक ये नहीं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आजकल नहीं हो रही हैं। तो अगर तो हमारा देश पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा होता, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही होती तो आज हम यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। अच्छा, आज हमें इस चीज़ का भरोसा होता कि अनकॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, पर ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसके विरोध में आज हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं ताकि सरकार कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला लेने से पहले ये चीज़ सोचे। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ये मतलब देखिए ये सियासी हवा है कि पहाड़ी स्पीकिंग को एसटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दे देंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर इतना आसान नहीं है किसी को ट्राइब घोषित कर देना, इतना आसान नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान भारत में और बहुत सारी ट्राइबें हैं और उनका एक आइडेंटिटी है, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ट्राइब अभी देखिए ट्राइब इसलिए भी है ना कि उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है और वो एक दिन का तो है नहीं, वो तो सदियों का है। अच्छा अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ वहाँ पे कुछ मापदंड है जिस पर आप तो खड़े उतरे और आपको एसटी स्टेटस दिया गया है। ऐसा भी है कि एससी एसटी को रिजर्वेशन की जो बात कही गई थी वो उस समय ऐसा कही गई थी 10 साल तक ही है। नहीं, मैं आपको बताता चलूँ। देखो, जब ये मंडल कमिश्नर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये कहा था रिजर्वेशन का, जब उन्होंने तो उन्होंने कहा था कि 10 साल दी जाएगी। जब 10 साल दी गई तो उसके बाद देखो ग्राउंड पे स्टडी तो होती है, कोई जाके देखेगा, सर्वे करेगा, सेंसिस होगी। जब उन्होंने देखा कि 10 साल तो दी, फिर उसके बाद फिर उसे आगे फॉरवर्ड किया और 10 साल के लिए कहा। जब उन्होंने देखा नहीं, इसको फिर कंटिन्यू कर देते हैं हम, कंटिन्यू फॉरएवर के लिए कंटिन्यू हो चुका है क्या? हाँ, ये फॉरएवर के लिए हो चुका है। कहाँ? मतलब मेरा मतलब जब वो पहले देते थे कि टेम्परेरी 10 साल के लिए। हाँ, हाँ, तो 10 साल एक्सटेंशन है, फिर 10 साल एक्सटेंशन है। हाँ, लेकिन एक्सटेंशन अब खत्म, हमेशा के लिए नहीं। हाँ, ना अब एक्सटेंशन जो है नहीं है, अब एक्सटेंशन नहीं है, अब जो है जो डिजर्व करती है जो कम्युनिटी उसे दी जाएगी। हाँ, आखिरी सवाल, 8 महीने पहले प्रदर्शन शुरू हुआ, उस समय से कहा गया था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा, क्या अब भी उसी प्रकार का प्रदर्शन अब शुरू होगा कि जब तक नहीं मान लेते तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा? देखो, अगर हमारे स्टेटस में अगर डाइल्यूट होने की कोशिश करेंगे तो हमारे हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पहले भी 1965 से लेकर अभी तक लड़ रहे हैं और 91 तक जो है कितनी सरकारें आई और कितनी बदल गईं, लेकिन अपनी हक की लड़ाई हमने जारी रखी। अगर 1991 में अगर हमें मिल गया उसके बाद जो है दोबारा हमारी जंग शुरू होगी। क्या हमें कोई और यहाँ से मूव ऑन नहीं करना है? क्या इसी नेटवर्क में हम घूमते रहेंगे? हमें डेवलपमेंट नहीं करनी है? क्या आगे नहीं बढ़ना है? हमें इसी स्टेटस में ही हमारी लड़ाई चलती रहेगी क्या? ये कोई इंसाफ है हमारे साथ? सबसे जो मेन दिल्ली में मतलब प्रोटेस्ट करने की जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि दिल्ली के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जान ले कि देखिए जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल अभी तक पिछड़ा हुआ है और उसका जो पिछड़ा हुआ होना है उसका जो वो रिजर्वेशन है उसके साथ किसी और को हिस्सादार ना बनाकर उसकी तरक्की में रुकावट ना बनाई जाए। देखिए ये बहुत वाजे तौर पे हम कहते हैं कि देखिए
कोई भी जो सोशल जो डेवलपमेंट है वो 10 से 20 साल में नहीं होती है, और प्रिविलेज जो हिस्टोरिकली प्रिविलेज होता है वो हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज के साथ जो उसका उसका जो साइकोलॉजी है वो तो ख़त्म कर देता है, उसको इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स में रख देता है। जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल आज भी इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स में है। आप किसी भी सर्वे को उठा लीजिए, हमारे पास 2021 का तो नहीं हुआ, 2011 के सर्वे में देख लीजिए, किस हेल्थ में, लिटरेसी रेट में, सब में अभी भी गुजर बकरवाल पिछड़े हुए हैं। जब तक देखिए रिजर्वेशन का वाजे मकसद है कि सबको इक्वल बनाना है, ठीक है, वो नहीं हुआ है अभी तक, और उस पर दोबारा सेंसस कराने के बाद उसके बाद जो रिपोर्ट आए तो उसके बाद को एसटी का स्टेटस ना दिया ना दिया जाए, ये आप मांगे। तो इनकी जो मुख्य तौर से ये मांगे हैं कि जो बीजेपी सरकार कह रही है कि हम पहाड़ी को एसटी का दर्जा देंगे, यानी एसटी स्टेटस देंगे, वो ना किया जाए, इनसे इनका डाइल्यूट, मतलब इनका जो एसटी स्टेटस है वो डाइल्यूट हो रहा है। अभी के खबरों में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़।